हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नेक्स्ट लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी मेंडली पीरियडिक टेबल को, और आज के लेक्चर में हम मेंडली पीरियडिक टेबल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। राइट, तो चलिए थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल करवाऊँ तो हमने बात की थी कि मेंडलीव ने अपनी पूरी की पूरी जो पीरियडिक टेबल है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मास बनानी स्टार्ट की थी। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल एटमिक मास को बेस मानकर बनाई थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो हमें पीरियडिसिटी मिल रही है एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज की, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एटमिक मास। और जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमिक मास में अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एलिमेंट्स एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाना शो कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वो एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उन्होंने उनको एक ही ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिन्हें ग्रुप का नाम दिया गया। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। ऐसे कितने कॉलम्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी पूरी पीरियडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिन्हें ग्रुप का नाम दिया गया, और उनकी पीरियडिक टेबल में जो है टोटल 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज कौन सी है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज। इस तरीके से कितनी टोटल हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद मेंडलीव ने अपने हर ग्रुप को जो है 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ग्रुप 1 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, ग्रुप ए सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। उसी तरीके से ग्रुप 2 भी जो है 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। तो इसी तरीके से मेंडलीव ने अपने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था एक्सेप्ट ग्रुप ए। ग्रुप 8 के अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं था। अब हम बात करते हैं कि एक ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट को रखा गया। तो अगर कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप में रखा हुआ है तो एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस करने वाले एलिमेंट्स रखे गए थे, यानी कि जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सारा का सारा था थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मेंडलीव पीरियडिक टेबल के बारे में। अब हम बात करते हैं आखिरकार मेंडलीव ने जो अपनी पीरियडिक टेबल बनाई थी उसमें क्या क्या खास बातें थी, क्या क्या मेरिट्स थी। राइट, तो उससे पहले बच्चों का माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या हमें ये पूरी पूरी पीरियडिक टेबल याद करनी है, क्या हमें ये बनाना सीखना है कि किस तरीके से ये पीरियडिक टेबल बनेगी। तो मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, हमने न्यूलैंड को भी मना कर दिया था कि न्यूलैंड की पीरियडिक टेबल भी आपको बनाने की याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मेंडलीव की पीरियडिक टेबल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस कंसेप्ट से वो बिना पीरियडिक टेबल याद करे आपको याद हो जाएंगे, बिना मेंडलीव की पीरियडिक टेबल याद किए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल कैसे बनानी है वो याद करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बात करते हैं आखिरकार मेंडलीव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल में क्या क्या खास बातें रखी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, उस टाइम पर मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे। मेंडलीव के टाइम पर टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। मेंडलीव ने अपने उस टाइम पर नोन सभी 63 एलिमेंट्स को टैबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर दिया था। ठीक है, मेंडलीव ने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे उन सभी को टैबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर दिया था। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ इस कदर एलिमेंट्स को अरेंज करने की सोची थी। इसी के बाद ये कंसेप्ट तैयार हुआ कि हाँ, हम एलिमेंट्स को अगर क्लासिफाई करना चाहें तो एक टैबुलेटेड फॉर्म दे सकते हैं हम उन्हें, और ये बहुत ईजी टू लर्न था और समझने में भी बहुत आसान था। राइट, तो पहली खास बात क्या थी, मेंडलीव वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को टैबुलेटेड फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया था। दूसरी खास बात, देखिए उस टाइम पर जो है कई सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मेंडलीव ने जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी जगह छोड़ दी थी अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर। और जगह छोड़ने के साथ साथ उन्होंने उन एलिमेंट्स की कई सारी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, इनकी डेंसिटी क्या होगी, इनकी कैसी केमिकल रिएक्शन होंगी, ये किस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। और जब फ्यूचर में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थी जो मेंडलीव ने बताई थी। तो हम बात करते हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो मेंडलीव ने 3 एलिमेंट्स के लिए यहां पे जगह छोड़ दी थी।
ठीक है, मेंडलीव ने यहां पर तीन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी। पहला हमारे पास बोरोन फैमिली में लाई कर रहा है, दूसरा हमारे पास जो है कार्बन फैमिली में लाई कर रहा है, और तीसरा हमारे पास एक डी ब्लॉक का एलिमेंट था। आज के टाइम पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ब्लॉक है डी ब्लॉक, तीसरा एलिमेंट इस ब्लॉक की डी ब्लॉक का एलिमेंट था हमारे पास। तो इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को नाम भी दे दिया था। मेंडलीव ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को नाम दे दिया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बोरोन फैमिली का एलिमेंट था, इन्हें नाम दिया गया इका एल्युमिनियम। ठीक है, जो बोरोन फैमिली का था एलिमेंट, उन्होंने उस टाइम पे इसको नाम दिया इका एल्युमिनियम। ठीक है, और जो कार्बन फैमिली का था उन्होंने इसको नाम दिया इका सिलिकोन। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया इका सिलिकोन। ठीक है, फर्दर जाकर इका एल्युमिनियम जो है इसको क्या नाम दिया गया, इका एल्युमिनियम को गैलियम नाम दिया गया, और इका सिलिकॉन जो है इसको जर्मेनियम नाम दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है ये, क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि बताओ इका एल्युमिनियम को फर्दर जाकर क्या नाम दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलेगा कि बताओ इका एल्युमिनियम को क्या नाम दिया गया। तो इका एल्युमिनियम हमारे पास जो है, जो हमारे पास इका एल्युमिनियम है, इसे आज की डेट में गैलियम कहते हैं, इसे आज की डेट में गैलियम कहते हैं, और जो इका सिलिकॉन था, जो इका सिलिकॉन था, इसे आज की डेट में हम जर्मेनियम कहते हैं। ठीक है, इसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं, जर्मेनियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरी खास बात क्या थी कि मेंडलीव ने जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट होने वाले एलिमेंट्स थे, डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे, उनके बारे में ऑलरेडी बता दिया था, साथ ही साथ उनके लिए जगह भी छोड़ दी थी। राइट, और जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनकी जो पोजिशन है वो एग्जैक्टली यहीं पर फिट हुए। ठीक है, इन एलिमेंट्स की पोजीशन जो है एग्जैक्टली यहीं पर फिट हो रही थी। तीसरी खास बात की अगर हम बात करते हैं, तो जब मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कहा पाया कि जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहा हूं तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है वो मैच नहीं हो रही जिस ग्रुप में वो आ रहा था। ठीक है, पहले क्या समझा जाता था, पहले समझा जा रहा था कि जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक मास अराउंड 13.5 है। ठीक है, पहले समझा जाता था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है 13.5 है। ठीक है, अगर बेरिलियम का मास एटॉमिक मास 13.5 है तो बेरिलियम कार्बन के बाद आना चाहिए, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने बेरिलियम को कार्बन के बाद रखा तो हमें क्या पाया, हमने पाया कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो है मैच ही नहीं हो रही जिस ग्रुप में से रखा जा रहा था, यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या था उस टाइम पे, हम गलत प्रिडिक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 नहीं है। उन्होंने बेरिलियम के एटॉमिक मास में करेक्शन करी और करेक्शन करके कहा कि बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 9 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास हम गलत समझा करते उनके अंदर करेक्शन भी कर दी थी। तो ये थी हमारे पास मेंडलीव की एक और खास बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिरकार मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, क्यों हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आज की डेट में नहीं पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें कमियां रह गई थी। राइट, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं पहली कमी की, तो सबसे पहली कमी ये है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इस ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, यानी कि ग्रुप वन वाली प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 7 वाली प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था। ठीक है, साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 7 वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा था। तो इस बात पर सवाल उठने लग गए कि आपने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ क्यों रखा, जबकि जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 17 वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं, तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं बनाई। इसको तो आप चांद सितारे लगा लेना, जो भी लगाते हो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। राइट, तो अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उसी तरीके से कार्बन के भी 3 आइसोटोप है, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम अपनी पीरियड टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बना रहे हैं,
जब हमने जो पूरी पीरियडिक टेबल है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बनाई है, तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप का मास अलग अलग है, तो इनको भी जगह मिलनी चाहिए थी। तो मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल में इन आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं रखी थी, जो कि गलत था, और वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि उन्होंने इसके लिए जगह क्यों नहीं रखी। अब हम बात करते हैं तीसरी खामी की। तो तीसरी खामी ये थी कि मेंडलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं कर रही थी, उनको तो सेम ग्रुप में रख दिया, राइट। मेंडलीव ने कई सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, उसके बावजूद उन्होंने क्या रख दिया, सेम ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये एक ही ग्रुप के अंदर है और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती, इसके बावजूद इन्हें अलग, इन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। और जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास कॉपर है ये मर्करी के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है, कॉपर और मर्करी की जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो इन्हें अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जबकि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सेम नहीं थी, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। नेक्स्ट खामी की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट खामी ये थी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्या कि मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज की थी, बट उन्होंने अपना खुद का रूल ही फॉलो अप नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास कम था, जिनका एटमिक मास कम था, लेकिन उनकी पोजीशन जो है उनसे ज्यादा एटमिक मास जिनका था उनसे आगे रख दी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं टेलुरियम की और आयोडीन की, तो टेलुरियम का जो एटमिक मास है वो क्या है, टेलुरियम का एटमिक मास ज्यादा होता है कंपेयर टू आयोडीन, लेकिन टेलुरियम को क्या रखा, आयोडीन से पहले रख दिया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमिक मास का जो रूल है वो ये फॉलो नहीं कर रहे थे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल के एटॉमिक मास से क्या होता है, ज्यादा हमें देखने को मिलता है, उसके बावजूद कोबाल्ट को निकल से क्या रखा हुआ है, पहले रखा हुआ है, तो उन्होंने अपना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं किया था। और उसका रीजन ये था कि अगर आयोडीन को हम यहां पे रख देंगे और टेल्यूरियम को आयोडीन की जगह रख देंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, इनकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 7 के इन एलिमेंट्स के साथ ही मैच हो रही थी, इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने एटमिक मास के रूल को ही फॉलो नहीं किया। तो ये सवाल उठा दिया गया कि जब आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमिक मास का रूल आप ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आपके जो पीरियडिक टेबल है इसमें कई सारी कमियां हैं, इस वजह से क्या किया गया, इनके पीरियडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया। और इनसे इंस्पायर होकर हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो थे हेनरी मोसले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाई, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।